हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल होटल स्टाइल सांभर बनाना। जैसी हम लोग होटलों में सांभर खाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल की सांभर बनाना मैं आपको बताऊंगी। तो आइए फिर देख लेते हैं फटाफट से कि कैसे बनती है होटल स्टाइल सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अरहर की दाल ली है 2 कप। कुछ लोग इसको तुअर की दाल भी बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसको अरहर की दाल बोला जाता है। इसको मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और मैंने यहाँ पर 3 बैंगन लिए हैं जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो सब्जियों को हम पहले 1 सीटी लगा के बॉयल करेंगे, तो इसलिए मैंने कुकर में इसको डाल दिया है बैंगन को। और मैंने यहाँ पर 2 गाजर ली हैं, इनको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो ये भी हम कुकर में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर लौकी ली है, करीब 200 ग्राम के करीब ये लौकी है, इसको भी मैंने टुकड़ों में काट लिया था, तो ये भी मैं कुकर में अभी डाल दे रही हूँ। और ऐसे ही बिना पानी के हम रख देंगे कुकर बंद करके, और हम 1 सीटी लगा देंगे, इसको बॉईल कर लेंगे हल्का सा। तो मसाला तैयार कर लेते हैं सांभर का। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन रख दिया है। मैं जो सांभर बना रही हूँ ये करीब 10 लोगों के लिए बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने राई ली है, मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये 1 टीस्पून थी, तो वो भी मैंने डाल दी है। अब ये इसमें क्रैकल हो गई है, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मेथी दाना डाल दिया है और 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है। और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च लिए, इनको भी मैंने टुकड़ों में काट लिया था, तो ये भी डाल देंगे और हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। ये करीब 2 इंच का टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, वो भी डाल दिया है, और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, बस चला देंगे हल्का सा। करी पत्ते लिए हैं 8-10 के करीब, तो ये भी करी पत्ते भी हम डाल देंगे और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली हैं 2, तो ये भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा प्याज लिया है, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया था, तो प्याज भी डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। दूसरी साइड जो मैंने सब्जियां रखी थी बॉईल होने के लिए, उनमें भी मैंने 1 सीटी लगा दी है, तो वो भी बॉईल हो गई है। और जो दाल है हमारी वो भी तैयार है, तो इसको हम कुकर में डाल के ओवर कुक करेंगे। जैसे कि नॉर्मली हम 1 या 2 सीटी लगाते हैं दाल में, लेकिन जो सांभर के लिए हम दाल है उसमें 5-6 सीटी लगाएंगे। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और 3 कप यहाँ पर पानी का डाल देंगे और दाल को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे, तो दाल को मैं ओवर कुक करना है। प्याज भी हमारा भुन चुका है, तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया था, टमाटर भी डाल देंगे और टमाटर को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब नमक डाल देंगे, तो मैंने अभी यह फिलहाल में 2 टीस्पून नमक डाला है, लेकिन अगर हमें कम लगेगा नमक तो हम नमक का इस्तेमाल और करेंगे। और ये चला देंगे और टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। टमाटर हमारे कुक हो चुके हैं, तो अब मसाले डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून सांभर मसाला लिया है। ये मैंने रेडीमेड सांभर मसाला यूज किया है, आप किसी भी ब्रांड का सांभर मसाला यूज कर सकते हैं। तो मसालों को हल्का सा हम भून लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है और मसालों को चला देंगे, मसालों को हम भून लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है और आपको सांभर होटल जैसी बनानी है, तो उसका कलर भी एकदम होटल जैसा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो मैंने ये ट्रिक अपनाई है, मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया था रेड कलर, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप अभी देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा इसका कलर आ गया है फूड कलर डालने से। तो फूड कलर डालने से क्या होता है, जो सांभर है ना हमारी, वो बिल्कुल होटल जैसी एकदम अट्रैक्टिव दिखेगी।
तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि बहुत थोड़ा सा ही फूड कलर डालना है। जो हमने सब्जियां बॉईल करके रखी थी वो हमने सब्जियां डाल दी हैं। तो अब सांभर तो बिना इमली के नहीं बन सकती है, तो अब इमली का पानी बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर आधा घंटे पहले इमली भिगो दी थी, और भिगोने के बाद जो इमली होती है ना वो पूरी तरीके से एकदम फूल सी जाती है पानी में, तो बस हाथों से मसल मसल के हम उसका पूरा जो पल्प होता है ना वो पानी में ही निकाल लेंगे। और पल्प पानी में निकालने के बाद हम इसको छान लेंगे, तो हमारा इमली का पानी तैयार हो जाएगा सांभर में डालने के लिए। इस तरीके से छन्नी से हम इसको छान लेंगे। बस हमने इमली छान लिया और ये इमली का पानी हमारा सांभर में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सब्जियां हमारी कुक हो रही हैं, तो इसी में मैंने इमली का पानी ये डाल दिया है। चला देंगे सब्जियों को, ढक देंगे, थोड़ा सा हम और सब्जियों को कुक करेंगे। दाल भी हमारी बॉईल हो चुकी है, मैंने इसको ओवर कुक किया है। अब हम क्या करेंगे, जो मथनी होती है ना, ये मेरे यहाँ इसको मथनी बोला जाता है, इससे हल्का सा इसको हम मसल देंगे। और मसलने के बाद हम इसमें पानी और डालेंगे, क्योंकि दाल जो है वो मुझे अभी गाढ़ी लग रही है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी और इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो पानी और इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो सांभर होती है वो बिल्कुल पतली होती है। तो जो दाल हमने तैयार करी थी वो इसी में हम डाल देंगे और चला देंगे इसको भी अच्छे से हम। बस इसको 5 से 6 मिनट हम और पका लेंगे एक खोल आने तक। ऑलमोस्ट सांभर हमारी बन चुकी है, आप इसको इडली डोसा या फिर उत्पम के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैंने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है छोटा सा, ये भी सांभर में डाल देंगे। इससे जो सांभर का फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है, आप भी एक बार इसको ज़रूर डाल के ट्राई करेंगे। अब ये जो सांभर है ना मुझे बहुत अभी गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने अभी 2 कप पानी का इस्तेमाल इसमें और किया है, और इसको हल्का सा चलाते रहेंगे। 5 से 6 मिनट हम और इसको पका लेंगे, बस 2-3 खोल आने तक। और बिल्कुल होटल स्टाइल सांभर हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। सांभर हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।